मुझे लगा एक नया लड़का कौन ट्रेलर लॉन्च देखने आएगा, लेकिन आपने इसे ट्रेलर लॉन्च बना दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल फॉर कमिंग हियर, थैंक यू। जब हम यूक्रेन में थे तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का रोल निभाया और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला भी। तो जब जंग छिड़ी तो मेरे ख्याल से भारत में मैं अकेला एक्टर हूँ जो क्या फील कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसको महसूस कर पा रहा था लगातार बार बार। क्योंकि जब कोई लड़का आपके अपने देश का विदेश में जाता है और इस तरह की इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस सिचुएशन में फंस जाता है तो दोस्त याद नहीं आते, परिवार याद नहीं आता, सिर्फ अपना देश याद आता है, भारत याद आता है। और मैं वेजिटेरियन हूँ और खाना मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ पे उस तरीके का, तो सबसे पहले मुझे भी भारत ही याद आया था। खैर मेहनत की, जैसा कि आपने देखा, अब आप ही बताएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत लगी थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत सुंदर शहर था, बहुत सुंदर लोकेशंस जो कि आपने अभी इसमें ट्रेलर में देखी, टीज़र में देखी। हाँ जी सर, लड़कियां भी सुंदर थी। खैर शहर मैंने ज्यादा देखा, पिताजी यहीं बैठे हैं अभी। हाँ बहुत सुंदर लोकेशन। इनफैक्ट एक लोकेशन है जिसका मैं अभी जिक्र करूँ तो बूचा नाम, आपने सबने सुना होगा बूचा। हम जहाँ रह रहे थे वहाँ से लगभग 2.5 घंटा दूर थी और ब्यूटीफुल लोकेशन, एंशिएंट लुक, पुराना आर्किटेक्चर, सब। तो अच्छा, इस बीच अच्छी चीज़ ये रही कि जो मेरे क्रू वाले हैं मेरी उनसे बातें होती रही। मैं लगभग हर हफ्ते उनको मैसेज करके पूछता रहता हूँ आप सब ठीक हैं, आप सब ठीक हैं, आप सब ठीक हैं। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन एक हो जाती है जब दोस्ती हो तो थोड़ी चिंता हो जाती है। लेकिन खैर सब सही सलामत हैं। जिन जिन का हमें पता लगा तो अच्छी बात फिलहाल ये है और भगवान से दो प्रार्थना है कि जंग खत्म हो और मेरे तरह आप सब भी इस सुंदर देश को देख पाए। हिमांशु जी को पहले बोला गया अगर आपने पसंद किया है तो आपकी पसंद अच्छी होगी और देखने के बाद अच्छा लगा और लुक भी अच्छी है, लड़के की लुक अच्छी है और म्यूजिक अच्छा है, लुक अच्छा है और सब अच्छा कंपोजिशन किया, सब बढ़िया परफॉर्मेंस किया। आई विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। होने के बाद ओ चाचा चाचा रुक जा भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि बुखारी साहब ने जैसे कहा है कि इस दौर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अभी मुझे सिर्फ 5 दशक यानी 50वां साल है। 50 साल में बहुत कुछ देखा, फिल्म इंडस्ट्री में देखा, टेलीविजन में देखा, बहुत कुछ किया, लेकिन जब भी किसी नए लड़के को या किसी नए आर्टिस्ट को हम देखते हैं तो पहला सवाल उसके मन में ये होता है कि इस इंडस्ट्री के दौर में मैं इतना कह सकता हूँ कि आर इंडस्ट्री इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो भी मैंने ट्रेलर को देखा है अच्छी आवाज़ है, गुड लुकिंग है, गुड हाइट है, परफॉर्मेंस जितनी हम देख सके इस ट्रेलर के अंदर अच्छा लगा। बाकी इतना है यस, जिंदगी के अंदर एक ही बात याद रखना, सपने जरूर लो, सपने वो नहीं होते जो नींद में ले जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनसे नींद नहीं आती। ये याद रखना, इन्हीं सपनों को इस तरह से सजो के रखना कि तुम मेहनत कर रही है, देन ऑफ कोर्स स्काई इज द लिमिट बट यू कैन कॉन्कर एंड आई हैव ऑल द गुड विशेस फॉर यू फॉर योर करियर। थैंक यू। निशान से जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। यूनिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, रियल लाइफ सिचुएशन पे आधारित है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब लव इन यूक्रेन पूरी तरह से आप देखें आजकल जो बातें चल रही हैं, जो माहौल चल रहा है यूक्रेन के बारे में, तो ये फिल्म थोड़ा उसको भी दर्शाती है, वहाँ की वॉर को दर्शाती है। उसमें एक उसके बीच में एक अच्छी लव स्टोरी है जो इन्होंने यहाँ पे शूट करी है। And I just wish the whole team all the best. The lead actor debut कर रहे हैं, introducing है। आपका जब वो तो क्या excitement रहता है, क्या feeling रहती है when you are debuting? For a debutant, it's always very exciting. I think you agree. हमें we have a lot of questions in our mind कि how will we be received? लोग हमें पसंद करेंगे कि नहीं, हमारी performance कैसी लगेगी, लोग हमें accept करेंगे कि reject करेंगे, ये बहुत एक high chances होते हैं दोनों बातों के। तो वो एक डर रहता है, excitement रहती है। बाकी मैम आपने भी डेब्यू प्रोजेक्ट अबाउट विपिन कौशिक इंट्रोड्यूसिंग इन द प्रोजेक्ट। आई थिंक मैंने ट्रेलर में जितना भी देखा है, इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स वेरी वेल शॉट, very interesting, and of course as he said the situation in Ukraine and there's this beautiful love story that's happening. It's a unique story abhi ke generation ke liye and it's really nice. I love the way it's shot, it's beautiful. Nisha ji ne Raksha Bandhan काफी अच्छा परफॉर्म हुआ, मतलब लोग दर्शक पसंद किया। अब नेक्स्ट क्या सरप्राइज है? नेक्स्ट अभी कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं जो शूट हो रही हैं, 2 वेब सीरीज हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं कर सकता, ना कि मैं प्लेटफॉर्म बता सकता हूँ, बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट फॉर मी। I think something I'm really looking forward to in my career right now. And yeah, I think एक television show की भी बात चल रही है, but I think that's not happening very soon. उसमें time है, उसके बीच में ये सब चीज़ें मैं complete कर लूँ। What about you? I'm working on project. Well, as of now I'm chilling. मेरे कुछ music videos हैं जो release होने वाले हैं, same like him. And there are talks for some movies, so that'll happen in June, May and June. So we just. All right. जी सर, विपिन जी का क्या कहना चाहेंगे? लीड एक्टर में इंट्रोड्यूस, जब आप आए थे इंडस्ट्री में, पहला डेब्यू जो मिला था, वो क्या फीलिंग थी, वो क्या एहसास था? बहुत अच्छा एहसास था, क्योंकि भाग मिलकर भाग से आगाज़ हुआ था। यहाँ पर मैं विपिन के लिए कहना चाहूँगा, जो मैंने ट्रेलर देखा, आवाज़ बहुत अच्छी है और मेहनत भी की है, और दिल से दुआ है कि जिस तरह से उनका कद है, ऐसे ही उनका कद फिल्म इंडस्ट्री में भी बने, कामयाब रहें, ये दिल से दुआ है। जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का, वो भी बहुत यूनिक है, रियल लाइफ इंसिडेंट कर सकते हैं, अभी वार हुआ लव इन यूक्रेन। जी जी, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, क्या चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर यूक्रेन में कितनी तबाही हुई, कितनी लड़ाई हुई, स्टूडेंट्स, हमारे हिंदुस्तान के बहुत से स्टूडेंट वहाँ फंस गए थे, ऐसे में रह कर शूट करना और यहाँ तक आना कि 27 मई को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, काबिल तारीफ़ है, और दिल से दुआएँ हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर के लिए कि फिल्म कामयाब रहे। सर, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मालूम चला है, तो कुछ अपने जबान से बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है और कितना इंटरेस्टिंग है और कितने एक्साइटेड है लेकर? मैं अपना हाँ, देखिए, जगू की लालटेन एक फिल्म आ रही है जिसमें रघुवीर यादव जी ने लीड किया है, तो उसमें मेरा एक किरदार, मतलब 5-6 सीन है फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म है और दिल्ली में शूट हुई है। और इसके अलावा एक, मतलब फ्लोर पर अभी गई नहीं है, जाने वाली है, केके मेनन साहब के साथ गलीच फिल्म है, तो देखते हैं कब रिलीज़ होती है, कितना रायता फैलाती है और बॉक्स ऑफिस पर क्या रिजल्ट रहता है। थैंक यू सर। उसके बारे में जानना चाहूँगा, प्रोजेक्ट है बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, बहुत ही रियल प्रोजेक्ट है, कैसा एक्सपीरियंस था इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनके? बहुत एक्सपीरियंस लव इन यूक्रेन, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। विदेश में, यूक्रेन में, बहुत सुंदर शहर, बहुत प्यारा शहर, बहुत प्यारे लोग, और हमारा भी एक्सपीरियंस उतना ही प्यारा था। खैर, बॉर्डर के पास थोड़ा तनाव था, लेकिन ये कुछ वैसा ही था जैसा हमारा भारत पाकिस्तान का रहता है। इतना पता नहीं था कि ये आगे बढ़ के ऐसा हो जाएगा, लेकिन बहुत प्यारा देश और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। मैंने बहुत चाय पी उधर, वहाँ भी सब लोग इसे चाय बोलते हैं। मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, सभी वहाँ पे हैं, कुछ देश छोड़ के जा चुके हैं, कुछ क्या कहते हैं, पोलैंड की तरफ वाले हिस्से में, यूक्रेन में ही बस चुके हैं, अपने शहरों से दूर गांव में जा चुके हैं, तो इस तरह का माहौल है, लेकिन इतना त्राहिमाम नहीं है जितना मीडिया में फैलाया जा रहा है। त्राहिमाम उन जगहों पर है, बॉर्डर्स पर है, शहर में लोग अभी भी सुरक्षित हैं लेकिन डरे हुए हैं। इस बीच मैं कहना चाहूँगा कि यूक्रेन शायद उतना सक्षम नहीं रहा, इसलिए उसे ये सब झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। शायद हमको भी ये सब देखना पड़ता अगर भारत देश इतना सक्षम ना होता। तो धन्यवाद आपको, मेरे देश को, कि हम और आप इस तरीके से इतने खुले विचारों के साथ बात कर पा रहे हैं।